जी हमारे YouTube चैनल मस्त एंड मैजिक को और बेल आइकन को दबाया हमारा लेटेस्ट मैजिक सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे से मैजिक ट्रिक्स लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह मैजिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का मैजिक जैसे कि आप बहुत सारे जगह जैसे कि पूजा होता है उस पूजा में आप देखते हैं कि भगत गर्म दूध से स्नान करता है, क्या यह वाकई में सही है? अगर सही है तो मैं आज यही सस्पिशन आपको दूर करके दिखलाऊँगा और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बने रहे आप हमारे साथ और अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखें। पहले मैं आपको करके दिखलाऊंगा कि यह मैजिक मैंने कैसे किया और आपको इस मैजिक को कैसे करना है और यह वाकई में सही है कि भगत हकीकत में गर्म दूध से स्नान करता है या गलत है, इस चीज़ को आज सस्पिशन आपको दूर करके दिखला दूँगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इस मैजिक को करने के लिए हम दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, चूल्हा पे दूध को गर्म करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध गर्म कर चुका हूं, अब मैं ये आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल ही हॉट हो चुका है। अब इस गर्म दूध से हम आपको स्नान करके दिखलाते हैं, इस गर्म दूध से हम स्नान करके दिखलावेंगे। बहुत सारे भगत इसे पूजा में यूज किया करते हैं कि हमारे देह पर देवता आया है, हमारे देह पर ये आया है, तो मैं यही सस्पिशन आज आपको दूर करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, उम्मीद करते हैं कि यह मैजिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इस मैजिक का रहस्य क्या है, बहुत सारे मैजिशियन इसे दिखाया करते हैं लेकिन आज मैं आपको एक सस्पिशन दूर करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे पूजा होता है जिसमें भगत लोग इस गर्म दूध से कहता है कि हम स्नान करके आपको दिखलावेंगे, वाकई में यह सत्य है तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि पूजा में आप देखते होंगे कि बहुत सारे भगत आते हैं तो उसको बहुत सारे महिला जो है उसको सेवा करता है, कहता है कि हम इस भगत को सेवा नहीं कर रहे हैं, हम देवता को सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब गलत है क्योंकि वह भगत नहीं होता है। उस भगत को आप मेरे साथ ले आओ और फिर उसे कहो गर्म दूध से मैं स्नान कराता हूँ करने के लिए, ऐसा कुछ संभव नहीं है। देवता होता कुछ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वह एक ट्रिक होता है। तो मैं यह ट्रिक आपको बताऊंगा नहीं, माफ़ी चाहता हूं क्योंकि हमें अगला का आदेश नहीं है इस ट्रिक को बताने के लिए। अगर इस ट्रिक संबंधी आपको कोई पूछताछ हो तो प्लीज़ मेरे नीचे कमेंट में आप आके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और यह एक मतलब बंद ट्रिक है, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो इसी तरीके के अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट में आके मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मैजिक में, तब तक के लिए आज्ञा दे मुझे।